जय गुरु। चलिए परम ब्रह्मा श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की वाणी के ऊपर आलोचना करते हैं। प्रश्न है, गृहस्थ जीवन में संयमित जीवन यापन करना कठिन कार्य है। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि ट्रेनिंग या शिक्षा लेकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। यह शिक्षा मनुष्य लेते नहीं है, गुरु ग्रहण नहीं करते हैं, निष्ठा सहित गुरु सेवा नहीं करते हैं, इसलिए इंद्रियां नियंत्रित नहीं होती है एवं बेकाबू हो जाती है। इस अवस्था में शादी होने पर मनुष्य स्त्रीमुखी हो जाता है, स्त्री स्वामी को अपने ख्याल मुताबिक अपना ईंधन बना लेती है, इससे उसका संसार सुखी नहीं रहता है, संतान भी अच्छे नहीं होते हैं। प्रवृत्ति के झोंक से अधिक इष्ट का झोंक पुरुष के अंदर आ जाए तो उनका संसार सुखी होगा, संतान भी अच्छे होंगे। जैसे तुम जल में तैरना नहीं जानते हो तो अधिक जल में जाने से डूबने लगोगे, जल का आनंद नहीं मिलेगा। यदि तैरना जानते हो तो जल पर आनंद बोध करोगे, कारण जल तुम्हारे अधीन है, तुम जल के अधीन नहीं हो। वृत्ति द्वारा ही जीवन का उपभोग होता है, अन्यथा वृत्तियाँ शोषण करती है। आलोचना प्रसंग पंचम खंड पृष्ठा संख्या 50 से संग्रहित। जय गुरु।